मलकाजगिरी हल्के पार्लिमान के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी के इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर कंटोनमेंट हल्के के मुस्लिम अकलियतों के अहम कायदीन का एक इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में साबिक वजीर दाखिला व रुकन खानसाज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, साबिक रियासती वजीर सी मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली मलकाजगिरी इमराज शेखर रेड्डी और मलकाजगिरी हल्के पार्लिमान के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मलकाजगिरी हल्के लोकसभा के कंटोनमेंट हल्के के मुस्लिम अकलियती लीडरों और मुसलमानों की कसी तादाद ने शिरकत करके बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम बिलखसूस मुस्लिम राय दहिंदों से अपील की है कि वह हल्के लोकसभा मलकाजगिरी से बीआरएस उम्मीदवार आर लक्ष्मण रेड्डी के हक में अपना कीमती वोट देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर अकलियती सुदूर बोर्ड मेम्बरान बदरुद्दीन ऑफिसर जिलानी, बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। पहली बार तक दूर करने की कोशिश करते हैं और सबसे अहम हमारी बेटी नमिता जो सहायता साहब की बेटी, सहायता साहब को आपने 20 साल से जिताते रहे, उसके बाद उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटी को फिल्म दिया गया था, उनको भी आपने जिताया। इस तरह से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी और एक बेटी को फिल्म दिया गया, क्योंकि सहायता खानदान के अपनी थे, उनका नंदुराय था, लोगों की शिकमत था, हर एक के लिए वो प्यार से मिलते थे और हमेशा वो मजबूरी में भी जितना हमारे भाई ने बताया, अभी बताया कि उनको कपाओं की तकलीफ थी, क्या राजशेखर साहब अभी बताया उनको। और राजशेखर साहब की तो मैं बहुत ही का फैन हूँ, मैं खुद में ये बेटे की तरह है, नहीं मैं बहुत अच्छे बड़े बुजुर्ग की तरह उनकी हमेशा रेस्पेक्ट देता हूँ। बहुत हमेशा लोग मुझे कहते हैं साहब राजशेखर जी साहब पास पहुंच जाइए, आपका इलाज हो जाएगा, आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, आप उन्हों अपने पेरेंट्स की तरह आपको चाहते तो बड़े अच्छे इंसान है। उसी तरह ये बेटी भी इसी तरह काम करते हुए एक मिसाल कायम करेगी, क्योंकि वक्त है आपको लंच का रमाज का भी हो रहा है, शायद की ज्यादा मैं एक ही गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जो आपको इज्जत देते हैं उसको आप इज्जत देना चाहिए। आप देख लीजिए केसीआर साहब का तरह कोई सेकुलर है। एक छोटी और एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस की इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी में असदुद्दीन अवैसी साहब भी शरीक है, उन्होंने कहा मैं रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं, जो लोग व्हाट्सएप में देखिए आपको मालूम होगा कि उनसे कहा कि आप जरा सीट भले एनआरसी के बारे में अपना इजारा ख्याल कीजिए, और बिल्कुल नहीं किया, अंजाम मार दिया बिल्कुल, जैसा नहीं सुनते आदमी खामोश आए दूसरी बात करके चले गए। वही कैसे आप साथ में बोले साहब एनआरसी के बारे में क्या करेंगे, मुसलमान परेशान है, सी डबल ए के बारे में परेशान है, तो केसीआर साहब बोले अरे क्यों फिक्र कर रहे, मैं असेंबली में बिल पास करता हूं, तेलंगाना में उसमें तेलंगाना में कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वो कोने पास करने वाला असेंबली में बिल पास करने वाला केसीआर साहब, उन्होंने बिल पास किया काउंसिल में पास किया और कहा के तेलंगाना में सी डबल ए का इंप्लीमेंट कभी भी नहीं होगा लोगों